Yum yum. अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ आज टोमेटो केचप, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ टोमेटो केचप हम बनाएंगे, घर पे बनाएंगे और साफ़ सुथरी, टोटली हाइजेनिक होगी ये, ठीक है। और अब आपको मार्केट से ख़रीदने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होगी। तो टोमेटो केचप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 किलो टमाटर हैं, और ये देखिएगा कि टमाटर आपके अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल पके हुए, गले हुए ख़राब नहीं होने चाहिए। जितना टमाटर अच्छा होगा उतना ही हमारा केचप अच्छा बनेगा। तो बस फिर इन टमाटरों को आप छोटे बड़े क्यूब जिस तरह आप चाहें आप इनको काट सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली हमें इनको पकाना ही है। तो मैं इनको काट लूँगी क्यूब्स के अंदर। चलें जी, टमाटर सारे मैंने यहाँ पे काट लिए हुए हैं। अब मैं एक पैन ले रही हूँ, मेरे पास नॉन स्टिक पैन है तो मैं ये ले रही हूँ। आप दूसरा कोई सा भी पैन ले सकते हैं, लेकिन पैन गहरा होना चाहिए। मेरे पास गहरा पैन नहीं था तो मैं इसी में बना रही हूँ। तो एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी उसको मैंने चॉप कर लिया, और 4 अदद लहसुन के जवे हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 अदद लौंग, और एक खाने का चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। तो बस मैं इसको ढक के मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त से मेरे टमाटर ये गल चुके हुए हैं। इस पैन को हम चूल्हे से हटा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इनकी ठंडा होने का वेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है हैंड ब्लेंडर। ये देखें, ये इंस्टेंट हैंड ब्लेंडर है, मैं इसी के साथ इसको ब्लेंड करूँगी। तो इसके लिए मुझे टमाटर को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको जो हमारा ब्लेंडर का जग होता है उसके अंदर डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन टमाटरों को अच्छे से ठंडा करना होगा, उसके बाद आप जग में डाल के इसको ब्लेंड कर लें। तो दोस्तों, 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ये प्योरी बन चुकी है, और बहुत माशाल्लाह हैंडी काम है और मज़े का भी काम है। प्योरी हमारी बन चुकी है। अब मैं एक और पैन लूँगी, इसके अंदर मैं इस सारे प्योरी को स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेनर मैंने यहाँ पे रखा, और मैं इसको अच्छे से इसके अंदर स्ट्रेन कर लूँगी ताकि जो इसका पल्प है वो अलग हो जाए, और इसके छिलके और बीज जो है वो हम अलग कर लें, क्योंकि टमाटो केचप के अंदर छिलके और बीज नहीं डाले जाते। तो बहुत अच्छे से माशाल्लाह ये देखें, ये काम भी इजीली हो रहा है। सारे छिलके बीज हम साइड पे कर लेंगे। ये देखें, इस प्योरी का सारा पल्प मैंने सेपरेट कर लिया है, और यहाँ पे मेरे पास बच गए हैं इसके छिलके और इसके जो सीड्स हैं। तो आप लोग चाहें तो इसको किसी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं तो मोस्टली टमाटर जो है उनको छिलके उतार के इस्तेमाल करती हूँ खाने में। तो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त ये प्योरी हमारी रेडी हो गई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो उसी ही पैन के अंदर मैं दोबारा से इस प्योरी को ऐड करूँगी। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 खाने के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पे 1 कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ। 3 किलो टमाटर है और उसके अंदर 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च जा रही है, और 1 खाने का चम्मच चीनी जा रही है। तो 1 ही कप मुझे इस यहाँ पे सिरके का चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा मेरे पास सिरका कम पड़ गया था, लेकिन कोई मसला नहीं है, इतना भी बहुत है। हमने जो चीनी और सिरका डाला है वो इसको प्रिजर्व करता है, ये हमारा 1 महीने तक जो है केचप चल जाएगा। अगर आपने इससे भी ज़्यादा देर के लिए इसको प्रिजर्व करना है तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट एक रेसिपी लेकर आऊँगी, उसकी भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह, लॉन्ग टर्म टोमेटो केचप को कैसे प्रिजर्व करते हैं। 30 मिनट्स के लिए मैंने इस प्योरी को पकाया है अच्छे से। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमारा टोमेटो केचप रेडी हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक वाइट प्लेट ली है, और इसके अंदर एक ड्रॉप रख के देखते हैं, इसको तिरछा करेंगे।
अगर पानी सेपरेट हो गया तो इसका मतलब है कि इसको कुकिंग की और ज़रूरत है। तो ये देखें जी, अभी हमारा जो टोमेटो केचप है अभी रेडी नहीं हुआ, अभी हमने मज़ीद इसको 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं मज़ीद और अब हम इसको दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। और ये देखें जी, अब बिल्कुल इसका पानी सेपरेट नहीं हो रहा, मैंने प्लेट को तिरछा किया है, इट मींस कि ये फिक्स हो चुका है। ज़बरदस्त सा केचप हमारा रेडी हो गया है। और माशाल्लाह एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि मैंने इसके अंदर कोई फूड कलर ऐड नहीं किया, ये नेचुरल कलर है जो मार्केट में लोग बनाते हैं, उसके अंदर फूड कलर्स ऐड करते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसके अंदर कोई फूड कलर नहीं है। तो मैंने जनाब इसको ठंडा कर लिया और उसके बाद मैं इसको जार में ऐड कर रही हूँ। तो मैं तो आपको डिस्प्ले के लिए इस जार में डाल रही हूँ, लेकिन साथ में मैंने केचप कंटेनर भी रखा हुआ है और इसको मैं पूरे महीने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और माशाल्लाह टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त आया है, मतलब जो मार्केट से आप केचप लेते हैं उससे भी डिफरेंट टेस्ट आया है इसका। ज़रूर बनाइए और बना के अपने पूरे महीना जो रमज़ान है इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि इफ्तार में डेली केचप की ज़रूरत होती है। बच्चे तो हर एक जो स्नैक है वो केचप के बगैर खाते ही नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा है कि ये हमारा केचप ज़ीरो प्रिजर्वेटिव्स के साथ रेडी हुआ है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।